वेरी गुड डे एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ये भर्ती पर है. क्वेश्चन रिक्रूटमेंट पर. रिक्रूटमेंट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर. ठीक, तो उत्तर कैसे लिखना है? सिंपल है, और डायग्राम से भी आप बना करके सिंपल वे में अपना रख सकते हो इसको. सबसे पहले बता दीजिए कि भाई रिक्रूटमेंट क्या है, फिर बताइए शॉर्ट में किसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन या 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आप ज़्यादा तो लिख नहीं सकते. फिर बताइए कि महत्वपूर्ण क्यों है, और आखिर में सुझाव दे दीजिए, लिख दीजिए आखिरी पैराग्राफ में कि अच्छी भर्ती प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या है. अच्छी भर्ती प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या है जिन्हें हमें अपनाना चाहिए भारत. ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के द्वारा हम कैंडिडेट्स खोजते हैं और उन्हें अंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो सिविल सेवाओं के लिए अप्लाई करें या जिस संगठन के लिए भी रिक्रूटमेंट हो उसमें अप्लाई करें. ठीक है, दूसरा किसके चरण क्या होते हैं कि पहले जॉब वैकेंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पद के बारे में लिखते हैं, उस पद के जुड़े हुए जो योग्यता है. जैसे यूपी में अगर आपको इस समय प्रिंसिपल के पोस्ट भी आए हुए हैं, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम अभी मार्च में होने वाला है, जो अभी पोस्टपोन हुआ, उसमें प्रिंसिपल के भी पद आए, प्रधानाचार्य के भी, तो उसके लिए उनकी कुछ अलग से वो मांगी गई हैं. ठीक है, उनको शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए 5 साल का, तो वो आपका हो गया स्पेसिफिकेशन हो गया एडवर्टाइजमेंट और जॉब वैकेंसी. फिर उसका आपका विज्ञापन आता है, फिर विज्ञापन के बाद जो आपके फॉर्म से सेलेक्ट सबमिट करोगे, अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आया है, अभी आप लोग फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद उसको चेक किया जाएगा, आपको प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे, फिर मुख्य परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, अलग से इंटरव्यू भी होता है. ठीक है, और सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन अलग से इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि वो मेंस के साथ ही इंटरव्यू है. ठीक है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ, लेकिन इंटरव्यू आखिरी फेज में होता है. और सर्टिफिकेशन जो यूपीएससी लिस्ट तैयार करता है राष्ट्रपति को देता है, वो सर्टिफिकेशन है. और सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन का मतलब है कि आप रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज अपने लोगों को चुनते हैं, होम मिनिस्ट्री वाले आईपीएसों को, गृह, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वाले आईएएसों को, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले या ओवरसीज अफेयर वाले अपने आईएफएस को लेते हैं. ठीक है, और फिर अपॉइंटमेंट होता है और प्लेसमेंट होता है मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय के द्वारा. तो ये प्रक्रिया है, चरण है. अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? कंबाइंड टू मेक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एलडी व्हाइट का स्टेटमेंट है जो आपने लिखना है. ये जो पहला लाइन मैंने लिखी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों, ये एलडी व्हाइट जो कि लोक प्रशासन के संस्थापक पिता में से एक मानते हैं, मतलब लोक प्रशासन के जो मुख्य स्तंभ रहे हैं उनमें एलडी व्हाइट एक है. ठीक है, तो एलडी व्हाइट कहते हैं कि कंबाइंड टू मेक गुड एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस मॉरल मेथड प्रोसीजर बट द ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस इज मैन पावर. की नेतृत्व अच्छी प्रशासन के लिए नेतृत्व, संगठन, वित्त, उत्साह, मोरल, ठीक है, और प्रक्रियाओं तो महत्वपूर्ण है ही, इन सबसे महत्वपूर्ण है आपका मैन पावर यानी कि कार्मिक. ठीक है, द टोन एंड कैलिबर ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इज डिसाइडेबल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. हमारे पास कितना योग्य सिविल सेवक होगा ये निर्भर करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे. और अनलेस यूजफुलनेस एंड रेलिवेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू द सोसाइटी डिपेंड अपॉन द साउंड सिस्टम ऑफ द रिक्रूटमेंट. कि लोक प्रशासन समाज के लिए कितना उपयोगी होगा, कितना प्रासंगिक होगा, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कितनी अच्छी है, कितनी अपडेटेड है. विशेषकर आज के डेट में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं और उन बदलते टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो प्रशासक काम कर सके उनको चुन करके ही हम प्रशासन को प्रासंगिक बनाए रख सकते हैं. दी अनडिजर्विंग एंड इनएफिशिएंट पर्सन्स रिक्रूटेड इन द सर्विस नो अमाउंट ऑफ द ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन. यदि हम अयोग्य लोगों की भर्ती करेंगे तो कितना भी अच्छा, कितना भी महंगा प्रशिक्षण दे दें, वो हमारे प्रशासन की गुणवत्ता नहीं सुधार सकता. देन एसेंशियल्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है अच्छी भर्ती प्रक्रिया की, ये आपका सुझाव है जो हमें भारत में अपनाना है. वैसे तो है भारत में सही, पर भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट बी प्लान टू अट्रैक्ट द
बेस्ट। रोग जो भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। अमूमन सरकारी तंत्र में भर्ती प्रक्रिया सकारात्मक नहीं होती है, जितने लोग आ जाते हैं उन्हीं में से, इसे नकारात्मक भर्ती कहते हैं सरकारी तंत्र में, कि जितने लोग आ जाते हैं उन्हीं में से जो कम योग्य होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है और जो योग्य होते हैं उनको ले लिया जाता है, जबकि ये नेगेटिव भर्ती है टू एलिमिनेट द, ठीक है, कीपिंग आउट रास्कल्स। ये भर्ती प्रक्रिया जो नेगेटिव भर्ती प्रक्रिया उसके बारे में कहा जाता है कीपिंग आउट रास्कल्स, कि जो अयोग्य है उनको बाहर रखना, जबकि पॉजिटिव भर्ती में ये होता है टू रीच आउट द बेस्ट सोर्स ऑफ द टैलेंट, ठीक है, कि जो योग्यता के सोर्स हैं उन तक पहुंचना। तो प्राइवेट सेक्टर वाले यही करते हैं कैंपस विजिट के द्वारा, ठीक है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा करके वो क्या करते हैं कि योग्य से योग्य लड़कों को पैकेज के थ्रू अपने आप हायर कर लेते हैं, जो क्रीम डे क्रीम होते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के, ठीक है, मैनेजमेंट स्कूल के, उनकी उन बच्चों को वो अपने हाई पैकेज पे हायर कर लेते हैं, तो वो पॉजिटिव भर्ती है देन। तो इसलिए सरकारी तंत्र में भी केवल एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए बल्कि बेहतरीन प्रतिभाओं, विशेषकर जब आज क्या है कि हमारे पास भारत जैसे विकासशील देशों में निश्चित रूप से रोजगार की समस्या है, तो इसलिए अधिकतर यहाँ पर मतलब बहुत भीड़ है सरकारी तंत्र में आने के लिए। फिर भी अगर और भी अच्छा अट्रैक्टिव हो जाए, लोगों को जानकारी हो जाए, तो और भी बेहतर प्रतिभाएं सरकारी तंत्र में आएंगी, ठीक है। दूसरा है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी डेमोक्रेटिक, इट मस्ट बी प्लान टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंस पर्सन, दक्ष और योग्य, अधिक से अधिक दक्ष और योग्य लोगों को ये भर्ती प्रक्रिया आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, ठीक। देन रिक्रूटमेंट पॉलिसी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड नॉन पॉलिटिकल, जो भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए वो अराजनैतिक और निष्पक्ष होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने देखो कि हाईकोर्ट द्वारा झारखंड के जो पीसीएस जो सेलेक्टेड थे लड़के उनका 325 के आसपास उसको निरस्त कर दिया गया है, तो कहीं पक्षपात हुआ है या कहीं प्रक्रियागत खामियां थी, इसीलिए हाईकोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, अपना समय बर्बाद हो गया, उनका साल और कैरियर बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और अराजनैतिक रखेंगे तो इससे लोगों का विश्वास, युवाओं का विश्वास सरकारी सेवाओं में बढ़ेगा। देन रिक्रूटमेंट एजेंसी मस्ट अडॉप्ट साइंटिफिक एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेस्टिंग द मेरिट्स, कोई भी ऐसा ये होना चाहिए, जैसे यूपी में अधिकतर ये आरोप लगाया जाता है कि भाई स्केलिंग होती है, स्केलिंग का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ठीक है, स्केलिंग में बहुत सारे लड़कों को मतलब पनिश कर लिया जाता है बिना बात का, तो जहाँ डाउट होता है अभ्यर्थियों में वहाँ हम अच्छे योग्य व्यक्ति को नहीं, तो इस प्रकार से होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप जो है ये तो एग्जांपल आप दे सकते हैं उसमें अपने झारखंड पीसीएस वाला नेट पे सर्च कर लीजिए, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या कहते हैं जो है आपके रांची हाईकोर्ट ने जो है उसके भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है जो सिलेक्शन हुआ था। और इसी तरह से यूपी में भी कई बार ये मामला उठता है, ठीक है, शासनगत स्तर पर भी लड़कों ने इस चीज़ को उठाया है कि स्केलिंग प्रोसेस को लेकर के लड़कों को क्या है मतलब कि एक प्रकार की ये कि आशंका है, तो आशंकाएं निर्मूल होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की आशंका अभ्यर्थियों के मन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर नहीं होनी चाहिए। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द गुड रिक्रूटमेंट सिस्टम, ठीक। तो दिस इज द होल आंसर विच यू कैन राइट डाउन इन योर आंसर्स, ठीक है, आप लिख सकते हो, आप इसको बहुत सारा सा है और आता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसको बनाइए, थैंक यू।